मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका सभी का न्यू स्टार क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। तो ले चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, उस टॉपिक की हम बात करें तो मैंने कुछ एक बेसिक क्लास बताई थी आपको, उसमें तीन बिंदु बता दिए थे मैंने आपको। पहला बिंदु एक बार रिपीट कर देते हैं उस चीज को जो मैंने बताया था आपको। पहला बिंदु बेटा नॉर्मल बताया था अपन ने कि जो कार्बन की संयोजकता चार होती है और वो चार बंद बनाता है। उसके बाद में थोड़े संकरण की बात की थी अपन ने। संकरण का सूत्र बताया था मैंने कैसे निकाला जाता है, सिग्मा बंद लोन पेयर की संख्या को जोड़कर निकालते हैं अपन। उसके बाद बेटा कार्बन के प्रकार बताए थे कि कार्बन 1 डिग्री होता है, कार्बन 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। एक एग्जाम्पल भी दिया था HW के रूप में और वो एग्जाम्पल बोर्ड के ऊपर भी है। जिन विद्यार्थियों ने जो पहली लास्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखा बेटा तो ध्यान दीजिए, ये मैंने HW के रूप में आपको होमवर्क के रूप में दिया था। अब इसका सॉल्यूशन इसमें पूछा क्या गया था बेटा, इसमें पूछने की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन के प्रकार पूछ रहा था कि इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, हम इस एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं बेटा। ये देखिए एक बार, अगर हम बात करें ये वाला कार्बन, देखो बेटा ये वाला जो कार्बन है ना, जो हमेशा जो टर्मिनल रहेगा बेटा शीर्षक, वो हमेशा 1 डिग्री होगा। ये भी शीर्षक है, ये भी क्या है, 1 डिग्री है। अब मैं रिप्रेजेंट करता जाता हूं बेटा, 1 डिग्री, बोलो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री। ये क्या होगा बेटा, देखो ये वाला कार्बन है ना, देखो कितने कार्बन जुड़ रहा है, वह कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़े। जैसे ये कार्बन है बेटा, ये 1, 2 और 3, 3 कार्बन से जुड़ रहा है ना, तो बेटा ये कौन सा कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। उसके बाद इस पर आ जाइए बेटा, अब ये वाला कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, 1, 2 और 3, तो ये कार्बन भी क्या बेटा, 3 डिग्री है। ये वाली कार्बन की मैं बात करूं बेटा तो ये कार्बन एक तो इससे जुड़ रहा है और ये कार्बन एक इधर इससे जुड़ रहा है, तो बोलो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। अब ये वाला कार्बन की बात करें तो ये देखो इधर भी जुड़ रहा है और इधर भी जुड़ रहा है, तो ये भी क्या होगा बेटा, 2 डिग्री। ये भी क्या होगा बेटा, 2 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो ये भी क्या है, एक इधर से, तो ये भी क्या होगा बेटा, 2 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कार्बन के प्रकार को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा जो सवाल क्या था बेटा, ये पूछ रहा था कि 1 डिग्री कार्बन बताना इसमें बेटा, 2 डिग्री कार्बन बताना इसके अंदर, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन की बात करें और 3 डिग्री कार्बन की बात करें और बेटा 4 डिग्री कार्बन की बात करें। अब मुझे बताइए इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है बेटा, तो 1 डिग्री कार्बन की बात करें, देखो बेटा 1 डिग्री एक तो ये है, एक 1 डिग्री ये है बेटा, ठीक है, तो इसलिए 1 डिग्री कार्बन कितना बेटा, 2 है। उसके बाद देखिए बेटा 2 डिग्री कार्बन की बात करें, ये वाला कार्बन भी बेटा 2 डिग्री है, 2 डिग्री कितने बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर 2 डिग्री कार्बन कितने बेटा, ये 5 है इनकी संख्या, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए 3 डिग्री कार्बन कितने बेटा, इसमें 3 डिग्री, देखो 3 डिग्री कार्बन की बात हो रही है, 3 डिग्री कार्बन बेटा, ये भी क्या है, 3 डिग्री कार्बन है बेटा, ये भी क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, तो बताइए 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। 4 डिग्री कार्बन इसमें बेटा एक भी नहीं है, कोई एक ऐसा कार्बन आपको नजर आ रहा है क्या इसमें कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा तो नहीं है इसके अंदर, तो 4 डिग्री कार्बन क्या होंगे बेटा, 0 होंगे। इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन था बेटा, तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। तो आपको मुख्य तौर पर ध्यान क्या रखना बेटा, कार्बन का प्रकार कैसे पहचाना जाता है, कार्बन के प्रकार को पहचानने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि एक ऐसा कार्बन आप उसका सिलेक्शन कर लीजिए, चुनाव कर लीजिए। अब हमें ये देखना है कि ये जो कार्बन है वह अन्य दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा है, वो उसका डिग्री होगा बेटा, वो जितने से जुड़ेगा वो उसका उतना ही डिग्री होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आगे हमारा इसके अंदर एक बिंदु और था बेटा, वो ध्यान देना, वो बिंदु क्या है, बिंदु नंबर 4। बिंदु नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, बिंदु नंबर 4 क्या है कि हाइड्रोजन निम्न प्रकार के होते हैं बेटा, कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन निम्न प्रकार के बेटा, ये भी जैसे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है और बेटा क्या हो सकता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है।
अर्थात हम ये बोले वह हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। भाई एक ऐसा हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है तो उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर 2 डिग्री पर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो बेटा वो क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। और यदि 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा तो वो क्या कहलाएंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब इसकी अगर मैं बात करूं आगे आगे देखिए, तो यहां पर जैसे अगर ये एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, एक इस एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, देखो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है, मुझे कार्बन बताओ, ये वाला कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है बेटा, क्योंकि ये तो एक से तो जुड़ रहा है ना, तो ये जब 1 डिग्री कार्बन है तो इसे जुड़ने वाले तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, ये तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये भी देखो इधर ध्यान देना, ये वाला भी क्या 1 डिग्री कार्बन है तो इससे जुड़ने वाले तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। इधर वाला ये भी सेम ही है बेटा, ये भी क्या है, सेम है। अब मुझे एक बात बताइए आप इसके अंदर कि टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो देखो तीन तो यहां है 1 डिग्री हाइड्रोजन, तीन यहां है, तीन यहां है, तीन यहां है, टोटल कितने हो गए बेटा, 12 हो गए। कितने हो गए बेटा, 12 वन डिग्री हाइड्रोजन हो गए। इसी के बाद में अगर हम आगे बात करें, 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, क्योंकि इसमें 2 डिग्री कार्बन ही नजर नहीं आ रहा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे नहीं, तो इसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या क्या बेटा, 0 है। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन है नहीं, तो 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो इसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन भी इसके अंदर नहीं होंगे, इनकी संख्या क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। अब देखो यहां पर एक कार्बन नजर आ रहा है आपको, 4 डिग्री कार्बन जरूर है इसके अंदर, लेकिन बेटा कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, इसलिए इसका मतलब इस पर हाइड्रोजन तो जुड़ नहीं सकता, तो जुड़ नहीं सकता, तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहा है, हाँ 4 डिग्री कार्बन तो है इसमें, लेकिन बेटा इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन है नहीं है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन तो वैसे होता भी नहीं है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन से 4 से पूरी हो जाती है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा इसमें, 12 होंगे। 2 डिग्री कितने होंगे बेटा, 0 होंगे। 3 डिग्री कितने होंगे बेटा, 0 होंगे। इसी प्रकार एक ही एग्जाम्पल और दे रखा है बेटा, इस एग्जाम्पल को आपको करना है, और इस एग्जाम्पल को जब आप करोगे तो मैं इसको SW के रूप में डाल देता हूं, आपको करना ये घर पर इसको चेक करके देखना बेटा, इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अब ये देखो इसके अंदर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन बताने बेटा कितने, पहले देखो ध्यान क्या रखना है आपको, पहले बेटा आप 1 डिग्री कार्बन को पहचानना, 2 डिग्री कार्बन को पहचानना, 3 डिग्री कार्बन को पहचानना, उस पर यदि कोई हाइड्रोजन है तो वो उतना ही डिग्री होगा बेटा। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले सभी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले सभी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे बेटा, 2 डिग्री कहलाएंगे। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ये बिंदु नंबर 4 था बेटा। तो हमने बेसिक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमने 4 पॉइंटों की बात की थी इस चैप्टर के अंदर बेटा। ये काम में आएंगे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, आगे वर्गीकरण में भी पढ़ेंगे कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, इसलिए मैंने इनका कुछ बेसिक बताया आपको। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा जो यूनिट नंबर जो 10 है बेटा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपाउंड का नाम सीखना है, क्योंकि जो यौगिक है ना उन यौगिक का हमें पहले तो नाम सीखेंगे, फिर उनकी संरचना बनाना सीखेंगे, तब जाकर अपन उनकी आगे उनकी बनाने की विधियां पढ़ पाएंगे, उसके बाद उसके भौतिक गुण पढ़ पाएंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ पाएंगे, तो ये चीजें जरूरी है पहले सीखना। तो हम इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, नाम पद्धति। अगला जो टॉपिक है वो क्या रहेगा बेटा, नाम पद्धति। ये देखो अब मुझे बताइए, नाम पद्धति होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है बेटा। नाम पद्धति 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बेटा, तो पहली नाम पद्धति की हम बात करें सामान्य पद्धति, जिसको हम रूढ़ पद्धति कहते हैं, उसके बाद बेटा आईपीएससी पद्धति, और उसके बाद बेटा व्युत्पन्न पद्धति। हमें यहां पर मुख्य तौर पर 2 काम में लेनी है, एक सामान्य पद्धति में नाम पता होना चाहिए आपको, और एक आईपीएससी पद्धति में नाम पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पर आईपीएससी पद्धति की अगर बेटा अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले हम 3 पद्धतियां होती हैं, ये आपको पता चल गया, सामान्य पद्धति, उसके बाद में आईपीएससी पद्धति, और उसके बाद बेटा व्युत्पन्न पद्धति। अब देखो हम जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं बेटा, जिसकी नाम पद्धति हमें पढ़नी है, वो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हेलो एल्केन, क्योंकि उसमें 2 कंपाउंड है जिनका हमें अध्ययन करना है, हेलो एल्केन। पहला जो यौगिक है बेटा हेलो एल्केन लेंगे, इस हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ना है हमें सामान्य और बेटा आईपीएससी।
अब देखो सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान देना, हेलो जो एल्केन होता है ना बेटा, इस हेलो एल्केन को कैसे दर्शाया जाता है? अब देखो ध्यान देना, मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, एक स्ट्रक्चर सी बना रहा हूं, ये आर बनाया बेटा मैंने और ये क्या बनाया, एक्स बनाया। अब बेटा देखो ये जो एक्स है ना, इस एक्स को हमेशा आईपीएससी में पूर्व लगन के रूप में क्या बोला जाता है बेटा, हेलो बोला जाता है। और जबकि आर जो समूह होता है ये एल्किल समूह होता है, और एल्किल समूह सामान्य समूह है एक, ठीक है? तो इसका सब सामान्य नाम लिखा जाएगा तब इसको एल्किल बोला जाएगा, और जब बेटा इसका आईपीएससी नाम लिखा जाएगा तो इसी आर को एल्केन बोला जाएगा। देखो इधर देखो, हेलो एल्केन, तो हेलो तो किसको बोलना बेटा, एक्स को बोलना है, और एल्केन किसको बोलना बेटा, आर को बोलना है। तो इसका मतलब हेलो एल्केन को दर्शाएंगे किससे बेटा, आरएक्स से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, आरएक्स से। अब मैं अगर बात करूं इस आर को हम क्या कहते हैं बेटा, एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्किल समूह, ये एल्किल समूह होता है बेटा। और एक्स आप जान गए, एक्स क्या बेटा, ये हैलोजन है, ये क्या बेटा, हैलोजन। हैलोजन तो आप जानते हो सभी, ठीक है ना, कौन से वर्ग के तत्व होते हैं बेटा हैलोजन, सत्रहवें वर्ग के तत्व होते हैं, जिनमें कौन कौन आते हैं बेटा, एफ सी एल बी आर और आई, ये हैलोजन होती है बेटा। इनका जब पूर्व लगन लिखा जाता है बेटा तो इनको क्या बोला जाता है, देखो पूर्व लगन के रूप में एप को फ्लोरो बोलते हैं बेटा, इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको ब्रोमो और इसको बेटा आइडो बोलते हैं। तो देखो सामान्य पद्धति में जब मैं बात करता हूं तो सामान्य पद्धति में हेलो एल्केन को बोलना क्या है बेटा, आपको आपको नॉर्मल भाषा में सामान्य नाम के रूप में जब इनका नाम लिखेंगे तो आपको क्या कहना है, इनको सामान्य रूप से इनको एल्किल हैलाइड बोलना है, क्योंकि आर को एल्किल बोलते हैं और एक्स को क्या बोलना बेटा, हैलाइड बोलना है। तो साधारण नाम में आर एक्स को क्या बोला जाएगा, एल्किल हैलाइड, एक्स को तो हैलाइड के रूप में बोलना है। अगर मान लो यहां एक्स के स्थान पर एफ आ जाए तो बेटा फ्लोराइड बोल देंगे, क्लोराइड बोल देंगे, ब्रोमाइड बोल देंगे, आयोडाइड बोल देंगे, और आर को क्या बोलना है बेटा, एल्किल बोलना है। आर को क्या बोलना बेटा, एल्किल बोलना है। जबकि मैं बात करूं आईपीएससी की बेटा, आईपीएससी में इस आरएक्स को क्या कहा जाएगा, आर को क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे बेटा, हेलो बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे बेटा, हेलो। और पहले जब इसका नाम लिखा जाएगा तो पहले हेलो को लिखा जाएगा और उसके बाद बेटा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आर को लिखा जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये आर, इसका मतलब पहले हम किसको लिखेंगे, पूर्व लगन को, क्योंकि ये जो हैलोजन होते हैं ना बेटा इनका कोई अनुलगन नहीं होता है, इनका केवल ओनली क्या होता है बेटा, पूर्व लगन होता है। और पूर्व लगन आईपीसी नाम में पहले लिखा जाता है बेटा, क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, जो पहले आता है पूर्व लगन। तो यहां पर एक्स को क्या बोलेंगे बेटा, हेलो बोलेंगे, और आर को क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन बोलेंगे। तो आईपीएससी में तो क्या बोलना है, हेलो एल्केन बोलना है, और जबकि बेटा इसको सामान्य में क्या बोलना है, सामान्य में आपको बोलना है एल्किल हैलाइड। तो दो चीजें ध्यान रखनी, मैं दो चीजें निकल के आई, सामान्य में बोले तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एल्किल हैलाइड हो जाएगा, और अगर हम बात करें किसकी बेटा, आईपीएससी में बोले तो हेलो एल्केन बोलेंगे। अब देखो इसमें जो बेटा ये जो आर आ रहा है, इस आर का मतलब क्या है, आर अभी बताया मैंने एल्किल समूह, तो ये एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं ध्यान देना एक बार, इधर देखो ध्यान दीजिए एक बार, देखो बेटा आर एल्किल समूह है, आर को क्या कहते हैं बेटा, इसको एल्किल समूह कहते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल समूह कहलाता है आर। अब ये आर कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, जैसे मैंने यहां पर एक चीज ध्यान देना, मैंने यहां पर ये लिखा बेटा CH4, तो CH4 तो आप सभी जानते हो ना बेटा, मेथेन होता है, CH4 क्या होता है, मेथेन। एल्किल समूह बनाया कैसे जाता है बेटा, किसी एल्केन में से बेटा आप एक एच को हटा देना, बनने वाले समूह को हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्किल समूह बोलेंगे। यदि एल्केन में से एक एच हटा दिया जाए तो बनने वाले समूह को क्या बोला जाएगा बेटा, एल्किल समूह बोला जाएगा। और उस एल्किल समूह को बेटा किससे दर्शाया जाता है बेटा, आर से। जैसे मैं इसमें से एक एच निकालूं बेटा तो इसकी एक संयोजकता कम हो गई ना बेटा, तो एक एच मैंने निकाल दिया तो एक संयोजकता कम कर दो, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, CH3, ये लिख दिया ना बेटा। अब देखो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम तो क्या था बेटा, मेथेन, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, मेथिल। क्योंकि देखो क्या होता है, एल्किल आ रहा है ना, इसमें तो देखो क्या लग रहा है, इल लग रहा है, और इसमें एन लग रहा है, तो एन किस में चेंज हो गया, इल के अंदर। कब चेंज हुआ बेटा, जब हमने क्या किया, एक वहां से हाइड्रोजन को हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद में एन किस में चेंज हो गया बेटा, इल में। एल्केन है तो एल्किल बनेगा, मैथेन है तो मैथिल बनेगा। इसी प्रकार बेटा एथेन ले, तो एथेन का सूत्र की इस तरह से लिख सकते हैं अपन, CH3, और ये बेटा CH3। आप इसमें से क्या हटा दो, एक एच हटा दो, बोलो एक एच हटाऊंगा तो कहीं से भी हटा देना, CH2, और ये बेटा CH3, ये बन गया। अब ये एथिल बन गया बेटा, क्योंकि ये एथेन था, एथेन में से एक एच हटाए तो क्या बना बेटा,
एथिल बन गया। इसी प्रकार प्रोपेन की बात करते हैं, ये देखो ध्यान देना बेटा, CH3, CH2 और ये CH3। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूं बेटा, H निकाल रहा हूं। अगर देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, अगर मैं HCH3 का निकाल दूं तो समूह क्या बनेगा, और अगर मैं HCH2 का निकाल दूं तो समूह क्या बनेगा। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं CH3 का निकालू, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो देखो मैं CH3 का निकाल रहा हूं, ध्यान देना CH3 CH2 और ये बेटा CH2, तो ये वाला समूह बन गया। इस समूह को तो बेटा देखो क्या बोलना है, इसमें कार्बन क्या है, 3 है, ये सीरीज श्रृंखला का है। जब कार्बन की संख्या क्या हो बेटा, 3 हो या 3 से ज्यादा, और श्रृंखला क्या हो बेटा, सीधी हो, तो वहां पर बेटा सीधी श्रृंखला के लिए N काम में लेते हैं, चाहे वो IPC में नाम लिखे चाहे बेटा सामान्य, तो N लिख दिया, नॉर्मल होता है इसका अर्थ सामान्य चयन के लिए, ठीक है। और इसके बाद कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है, हमें इसको किसके रूप में बोलना है, एल्किल के रूप में। ये क्या था बेटा, प्रोपेन था, तो प्रोपेन से क्या बना बेटा, प्रोपिल। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, बताना प्रोपिल, ये प्रोपिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहां से तो मैंने क्या किया, यहां से क्या निकाला बेटा, यहां से मैंने क्या निकाला है, यहां से H निकाला, यहां से H निकाला, यहां से। अगर मैं H कहां से निकाल दूं बेटा, यहां से H निकाल दूं, चलो यहां से H निकाल देते हैं, तो बोलो क्या बनेगा, ध्यान देना एक बार इधर, CH3 CH, ये कैच हटा दिया बेटा मैंने, और ये सीएस, ये समूह बन गया बेटा, ये समूह जनरेट हुआ यहां से। अब देखो इधर ध्यान देना थोड़ा, इसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें तो देखो H मैंने CH3 से निकाला है, और इसमें H कहां से निकाला बेटा, CH2 से। अब ये देखो इसमें समूह तो H तो निकला एक ही है, H इधर भी एक ही निकला था, इधर भी क्या निकला बेटा, एक H निकाला है मैंने, इधर भी मैंने क्या निकाला, एक H। लेकिन क्या होता है कि ये वाला जब H निकालते हैं यहां से, तो बेटा ये नॉर्मल प्रोपिल बनता है, और बेटा जब यहां से निकालेंगे ना, तो देखो जहां से हम निकाल रहे हैं उस कार्बन को देखो, ये CH कार्बन है, यदि इस कार्बन पर शेष अगर बचने वाले दो मैथिल आ गए बेटा, देखो इधर भी क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है, एक तो इधर क्या आ रहा है बेटा, मैथिल आ रहा है, ये देखो ये मैथिल आ रहा है, अरे इधर भी क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है। एक ऐसा एल्किल समूह जिसमें एक कार्बन पर दो मैथिल समूह जुड़े होते हैं, तो ऐसे समूह के लिए अपन बेटा एक शब्द काम में लेते हैं, उनके लिए अपन कौन सा शब्द काम में लेते हैं, आइसो काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, आइसो शब्द काम में लेते हैं। तो आइसो कब लगेगा बेटा, आइसो हम तभी लगाएंगे एक ऐसा एल्किल समूह, ठीक है ना, जिसमें एक कार्बन कितने, दो मैथिल से क्या हो, जुड़ा हो। अगर दो मैथिल से जुड़ा हुआ है, कितने मैथिल से जुड़ा हो, दो मैथिल से अगर वो जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर अपन क्या लगाएंगे बेटा, आइसो लगाएंगे। तो देखो ये आइसो, उसके बाद में एक एच हटाने के बाद क्या बन रहा है बेटा, प्रोपिल। तो देखो यहां तो एन लगा रहा था मैं, और यहां क्या लगा रहा हूं बेटा, मैं आइसो लगा रहा हूं, तो यहां एन क्यों लगाया, सीधी श्रृंखला के लिए, और यहां आइसो क्यों लगा रहा हूं, आइसो कब लगाते हैं, जब एक कार्बन कितने मैथिल से जुड़े बेटा, दो मैथिल से जुड़े, तो इसका मतलब इसका नाम क्या जाएगा, ये तो आइसो, और तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को एल्किल के रूप में क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपिल। तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल। ये आइसो प्रोपिल हो गया बेटा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये आइसो प्रोपिल, तो एक आइसो प्रोपिल ये समूह होता है। ये देखो ये जो समूह है ना, ये बेटा लगभग सभी चैप्टर में काम आएंगे, कि नॉर्मल एल्किल समूह क्या होता है, उसके बाद आइसो प्रोपिल क्या होता है, फिर सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, नियो क्या होता है, ये समूह होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। ये प्रत्येक चैप्टर में बेटा इनके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको। तो आगे मैं और आपको एल्किल समूह बता देता हूं, देखो एक बार इधर ध्यान देना, ये देखिए। अब बेटा अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहां पर कोई एल्केन बनाए, ये एल्केन लिखी बेटा CH3 CH2 CH2 और बेटा ये CH3, ये ब्यूटेन है। देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब बेटा देखो सीधी श्रृंखला में एग नहीं है, तो बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन ब्यूटेन लिख सकता हूं ना बेटा, ये एन ब्यूटेन है बेटा, ये लो एन ब्यूटेन। अब हम एल्केन से क्या बना सकते हैं बेटा, एल्किल समूह बना सकते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, एच को हटाता हूं, एक बार तो एच आप यहां से हटा लो, कहां से बेटा, CH3 से। एक बार तो एच कहां से हटा लो बेटा, यहां से, और एक बार कहां से हटा लो बेटा, CH2, क्योंकि दोनों CH2 समान है, CH3 भी क्या है, समान। तो एक बार तो यहां से निकालना, एक बार यहां से। तो देखो समूह कौन कौन से बनेंगे, देखो मैं पहले यहां से CH2 से हटा रहा हूं, तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH और उसके बाद बेटा ये CH3, ये समूह बन गया। एक संयोजक तक कम हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया अपन ने। अगर बेटा यहां से निकालें अपन, CH3 से निकालें, तो बोलो क्या बनेगा, CH3
CH2 CH2 और CH2, ये बनेगा ना बेटा, ये बनेगा। अब देखो इधर देखो, ये तो सीधी श्रृंखला के रूप में है, ठीक है ना। और देखो बेटा यहाँ पर ये तो वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इधर देखो इस पर एक मैथिल जुड़ रहा है और इधर एक समूह जुड़ रहा है। इस पूरे को काउंट करना है बेटा, पीछे कितना बच रहा है ये ऐसे। तो दो कार्बन का एल्किल CH3 CH2 क्या होता है, एथिल होता है, बताया था मैंने आपको, ये एथिल। और इधर क्या जुड़ रहा है बेटा, मैथिल जुड़ रहा है। ये देखो ये सीधी श्रृंखला है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें तो अपन क्या लगा देंगे बेटा, एन। और कितने कार्बन बेटा, चार। तो चार के लिए अपन क्या लिखेंगे एल्किल के रूप में बेटा, ब्यूटिल। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ब्यूटिल, एन ब्यूटिल हो गया। इसी प्रकार इधर वाले में आ जाइए, देखो अभी मैंने क्या बताया था, इससे पहले आइसो बताया था। तो आइसो बेटा कब लगेगा, इसमें आइसो नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इसमें क्यों नहीं लगेगा, मैंने आइसो के लिए क्या बताई थी कंडीशन, मैंने आइसो के लिए कंडीशन ये बताई थी कि एक कार्बन पर बेटा दो मैथिल समूह जुड़े होने चाहिए। देखो ये वाला कार्बन है, मुक्त संयोजी कार्बन है बेटा, इस पर एक तो CH3 जुड़ रहा है और इधर क्या जुड़ रहा है, देखो पूरा CH3 CH2 समूह जुड़ रहा है, जो कि एथिल होता है, मैथिल नहीं है। आप इसको मत देखना, जुड़ने वाले पूरे समूह को देखना है आपको। तो ये तो मैथिल और ये क्या बेटा, एथिल है। तो इसका मतलब इसमें आइसो तो लगेगा नहीं। अब बोलो फिर कौन सा समूह लगाएंगे। अब ये कार्बन देखो कितने कार्बन जुड़ रहा है बेटा, एक इधर से एक इधर से, दो से जुड़ रहा है ना। तो द्वितीयक होगा नहीं हुआ, चलो द्वितीयक हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब इसमें आइसो न लगाकर बेटा अपन इसको क्या बोलेंगे, ये ध्यान देना बेटा, सेकेंडरी। सेकेंडरी को ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में SEC, सेकेंडरी। और उसके बाद क्या बेटा, ये ब्यूटिल, क्या बेटा, ब्यूटिल। ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटिल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल समूह हो गया। इस तरह से अपन क्या करते हैं बेटा, एल्किल समूह को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। आगे देखो एक एग्जांपल और देखिए, देखो ध्यान देना एक बार इधर, ये देखो ये मैंने बेटा यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाई, ये लो CH3 CH3 और ये बेटा CH3। अब देखो इसमें ध्यान देना, अब देखो CH3 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 CH3, वैसे तो इसका देखो नाम के अगर मैं बात करूं तो इसमें एक कार्बन चार कार्बन जुड़ रहा है, तो वहां नियो लगा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ऐसे समूह के लिए अपन नियो काम में ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन हो गया बेटा, आईपीसी में नियो पेंटेन बोल सकते हैं इसको अपन। और भी इसके अलावा आईपीसी नाम लिख सकते हैं बेटा अंकन के आधार पर, वो हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है कि सबसे पहले तो देखो एक नियो शब्द काम में ले रहे हैं, नियो क्यों लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि देखो एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है बेटा, चार से जुड़ रहा है। ये जरूरी नहीं कि वहां पर क्या है बेटा, मैथिल समूह है, यानी कि एक कार्बन चार से जुड़ा होना चाहिए। तो वहां पर क्या लगाएंगे बेटा, नियो लगाएंगे। अब देखो इसमें आपको क्या लगाना है बेटा, नियो लगाना है। तो देखो नियो जो मैंने लिख दिया, चलो इसको तो क्या लिख दिया बेटा, ये नियो, ये नियो। और इसको क्या बोल देंगे बेटा, पेंटेन, नियो पेंटेन, 1 2 3 4 और ये 5। अब बेटा इसमें से क्या करें अपन, H हटा दें, क्या निकाल दे बेटा इसमें से, H। अब देखो H में चाहिए यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, यहां से, यहीं कहीं से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि चारों CH3 का है समान। चलो हटा दो, किसी को भी हटा दो, चलो हटा दिया आपने CH3 C, और ये बेटा CH2, इधर से हटा दिया मैंने, ये CH3 और ये क्या हो गया बेटा CH3। ये लो भाई, ये समूह जनरेट हो गया ना। अब आपने यहां से एक एच निकाला था और यहां पर ये क्या बना, एल्किल, क्योंकि एल्केन से एक एच हटाएंगे तो क्या बनेगा, एल्किल। तो ये क्या था बेटा, पेंटेन। तो ये क्या हो गया, पेंटिल। यहां क्या लगा रहे हैं, नियो, क्योंकि नियो तो इसमें भी तो है भाई, नियो, क्योंकि एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है, चार से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला समूह। अगर किसी यौगिक में ये वाला समूह आपको दिखाई देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नियो समूह बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे, नियो समूह बोलेंगे। तो ये हो जाएगा नियो पेंटिल समूह, ये नियो पेंटिल समूह हो जाएगा। एक टर्शियरी का और एग्जांपल देख लीजिए आप, देखो ध्यान देना एक बार इधर, एक टर्शियरी का एग्जांपल और देख लीजिए, ये देखो CH3 CH CH3 और ये बेटा CH3। ये देखो ये हमारे पास एक समूह है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या है, CH3 CH3 और CH3। एक बार तो आप एच यहां CH3 से किसी में से भी हटा दो, और एक बार कहां से हटाएं बेटा, CH से हटा दो, ठीक है। चलो मैं यहां से हटा रहा हूं, पहले यहां से हटाता हूं, CH3 से हटा लो, चलो CH3 से हटाते हैं, CH3 CH और ये बेटा CH3, और आगे इधर क्या आ गया बेटा, ये CH2। ये तो बचेगा, बोलो बचेगा, नहीं बचेगा, यहां से हटा दिया, यहां से हटा लो, कहीं से भी हटा लो बेटा। तो ये बच गया हमारे पास। अब बेटा देखो ध्यान देना इसका नाम क्या है, देखो आप पहले चीज ध्यान देना, क्योंकि एक कार्बन पर दो मैथिल जुड़े होने चाहिए, तो उसका मतलब वहां पर आइसो लगा सकते हैं अपन। लेकिन देखो इधर भी मैथिल आ रहा है,
इधर भी क्या आ रहा है बेटा, मैथिल आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि अपन इसको तो मैं आई समूह ले सकता हूं, ये वाला समूह तो क्या है इसके अंदर बेटा, ये वाला जो समूह है ना बेटा, जो जैसे मैं रेड पेन से इसको मार्क कर रहा हूं, ये देखो ये वाला समूह क्या बेटा, यहां पर आई सो लगा सकते हैं ना, देखो ये दो मैथिल आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, ये दो मैथिल, तो आई सो लगा सकते हैं। कार्बन कितने बेटा, एक दो तीन चार, तो आइसो इसको ब्यूटेन बोल सकते हैं ना, ये आइसो ब्यूटेन है कि नहीं है बेटा, आइसो ब्यूटेन। अब देखो इसमें देखो इधर देखो ये जो समूह बना है, देखो इधर CH3 आ गया, इधर क्या आ गया CH3, एक कार्बन पर कितने मेथिल आ गए बेटा, दो, तो बोलो क्या लगाऊंगा बेटा मैं, आइसो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आइसो। और अब देखो यहां से ये ब्यूटेन था तो ये क्या बनेगा बेटा, ब्यूटिल, क्योंकि एक H आपने निकाल दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आइसो ब्यूटिल समूह हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, आइसो ब्यूटिल समूह। अगर मैं बेटा यहां से एच कहां से निकालूं, इस सी एच वाले कार्बन से अगर मैं एच हटाता हूं, इस सी एच वाले कार्बन से, देखो ध्यान देना एक बार इधर हटाते हैं, देखो सी एच थ्री और बेटा ये सी एच, तो यहां से मैंने ये एच हटा दिया, ये देखो CH3 ये लो, अब मैंने यहां से एच हटा दिया, इसकी वैलेंसी एक मुक्त हो गई। अब देखो इधर CH3 इधर भी क्या है CH3 इधर भी क्या है CH3, ये मुख्य संयोजी कार्बन, देखो कितने कार्बन जुड़ रहा है, तीन से जुड़ रहा है, लेकिन अगर बेटा यहां दो मैथिल नजर आ जाते हैं ना हेलिकल समूह में, तब तो मैं ऐसे लगाते, लेकिन अब कितने आ गए बेटा, तीन आ गए, एक दो तीन। अब बेटा ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपका, टर्शियरी हो जाएगा, अभी ये तृतीयक कार्बन हो जाएगा। अब इसको देखो मैं क्या बोलूंगा, तृतीयक ब्यूटिल समूह बोलूंगा, अब क्या बोलना बेटा इसको, तृतीयक ब्यूटिल समूह, ये तृतीयक ब्यूटिल कहलाएगा, क्योंकि आइसो ब्यूटिल नहीं कह सकते इसको अपन, आइसो ब्यूटिल नहीं होगा ये, क्योंकि देखो यहां पर चीज ध्यान देना, यहां पर CH3 एक कार्बन पे दो मैथिल, तो आइसो लगाते हैं, इधर देखो इस एल्किल में देखो एक कार्बन पे दो मैथिल, तो आइसो लगा रहे हैं, तो आइसो ब्यूटिल, इधर देखो तीन मैथिल आ गए इधर, तो इस एल्किल समूह में, तो यहां बेटा क्या लगेगा फिर, टर्शियरी लगेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल समूह। तो ये तो बेटा क्या थे, नॉर्मल एल्किल समूह थे। अब इन्हीं एल्किल समूह के आधार पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको साधारण नाम लिखने हैं किसके बेटा, RX के, RX क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड। देखो एग्जांपल की हम बात करते हैं, इसके दो चार एग्जांपल देखते हैं, वो आप करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये देखिए ये चीज आप इसको HW के रूप में कर लेना, कैसे भी कर लेना। देखो पहला एग्जांपल क्या बेटा, ये लिख रहा हूं मैं, देखो CH3Br इधर लिख दिया मैंने, CH3CH2 बेटा Br इधर लिख दिया बेटा मैंने, CH3CH2CH2 ये बेटा Br इधर लिख दिया, चलो CH3CH ये लो, ये लो, ये कुछ मैंने कंपाउंड लिखे बेटा, RX लिखे हैं। देखो इनमें ये चीज ध्यान देना बेटा, ये तो क्या बेटा हैलोजन हो गया आपका, ये तो हैलोजन हो गया, ये तो क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया हैलोजन हो गया, ये हैलोजन हो गया, ये हैलोजन हो गए, ये लो हैलोजन। अब देखो अरे ये समूह क्या बच गया बेटा, ये एल्किल समूह बच गए, देखो ये क्या बच गए, ये एल्किल समूह बच गए, ये भी एल्किल समूह बच गया, और ये वाला भी क्या बच गया बेटा, ये एल्किल समूह बच गया। अब नाम लिखना बहुत आसान है, देखो सामान्य नाम कैसे लिखते हैं बेटा, अब बताना, देखो ये आर है तो ये क्या बेटा एक्स है, आर क्या बेटा एल्किल है, एक्स क्या बेटा Br है, तो बेटा क्या नाम लिखेंगे, CH3 को क्या लिखेंगे मैथिल, Br को क्या लिखेंगे बेटा ब्रोमाइड, तो नाम क्या जाएगा बेटा मैथिल ब्रोमाइड। इसका देखो बेटा ये एथिल और ये क्या बेटा Br, तो नाम क्या जाएगा बेटा एथिल ब्रोमाइड। इसमें देखो बेटा कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा प्रोपिल, इसको क्या बोलेंगे बेटा ब्रोमाइड, तो नाम क्या जाएगा बेटा प्रोपिल ब्रोमाइड। यहां ये सीधी श्रृंखला में आ रहा है, तो क्या लिख सकते बेटा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। इधर आ जाओ, अब देखो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है, देखो ये कार्बन, देखो इस कार्बन पे कितने मेथिल जुड़ रहे हैं बेटा दो, तो क्या लगाएंगे बेटा यहां पर आइसो लगाएंगे, तो आप बोलो इसका नाम क्या होगा, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि इसमें आइसो समूह है ना, आइसो समूह है इसके अंदर, क्योंकि एक कार्बन पे दो मेथिल आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे बेटा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। इधर देखो नीचे वाले में, यहां देखिए ये वाला कार्बन, देखो कितने कार्बन जुड़ रहा है, एक दो तीन, तीन से जुड़ रहा है, तीन मैथिल आ रहे हैं, दो मैथिल आते तो बेटा आइसो लगाते, तीन आ गए तो टर्शियरी ले बोलेंगे इसको। अब बोलो क्या हो जाएगा बेटा ये तृतीयक, बोलो होगा नहीं होगा, टर्शियरी होगा नहीं होगा, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये क्या कहलाएगा बेटा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहलाएगा, ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहलाएगा। इस तरह से बेटा क्या करते हैं अपन, इनका सामान्य नाम लिखते हैं। अब इसके बाद में देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं कुछ, ये तो
सामान्य नाम की बात हो गई थी इनकी, अब इसके बाद हम बात करें किस किसके आईपीएससी नाम की। अब देखो आईपीएससी में क्या करना बेटा, आपको कुछ रूल है वो आपको मैं नियम बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना, उन नियम को ध्यान में रखना है आपको। देखो पहला नियम क्या है, सबसे पहले इन आईपीएससी कुछ रूल बता रहा हूं बेटा, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला नियम क्या है बेटा, देखिए ध्यान देना एक बार इधर। पहले नियम की अगर हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको, हेलोजन युक्त कार्बन श्रृंखला का क्या करना बेटा, चयन करना है। आपको कोई एक यौगिक दिया गया है, ठीक है ना, आरएक्स दिया गया है, तो उसमें हेलोजन का उपस्थित होना जरूरी है, तभी बेटा वो किसकी श्रेणी में आएगा, आरएक्स की श्रेणी में आएगा। तो हेलोजन युक्त कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाएगा बेटा, चयन किया जाएगा। ये पहला बिंदु आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, यदि हमारे पास में बेटा उस आरएक्स के अंदर, या मैं ये बोलूं किसी यौगिक के अंदर हैलोजन भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, अर्थात द्विबंध भी आ जाए और हैलोजन भी आ जाए, तो बेटा अंकन का ध्यान रखना, अंकन उस तरफ से करेंगे जिधर से द्विबंध को क्या मिलेगा बेटा, न्यूनतम अंक मिलेगा, या किसको वरीयता देंगे हम बेटा, द्विबंध को वरीयता देंगे, लेकिन उस कंपाउंड में आपका हैलोजन होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तीसरा बिंदु क्या है बेटा, ये जो हैलोजन होती है बेटा, इन हैलोजन का अनुलग्न तो होता नहीं है, इनको हमेशा किसके रूप में लिखा जाता है बेटा, पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है, और पूर्व लग्न को हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं। देखो कोई भी आईपीसी नाम जब आप लिखने जा रहे हो तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करना बेटा, प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है, और प्रतिस्थापी हमेशा किसके रूप में लिखे जाते हैं बेटा, पूर्व लग्न के रूप में लिखे जाते हैं। तो हैलोजन अपने आप में क्या एक प्रतिस्थापी है, अपने आप में क्या एक पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा, अर्थात हम हैलोजन को क्या बोलेंगे बेटा, हेलो बोलेंगे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। तो हमेशा हैलोजन को किस रूप में लिखना है आपको, पूर्व लग्न के रूप में। और एक आईपीसी जो नाम लिखते हैं बेटा, उसका एक सिस्टम होता है, सबसे पहले करना क्या आपको, आपको पूर्व लग्न लिखना है, प्रतिस्थापी को लिखना है, प्रतिस्थापी किस रूप में, पूर्व लग्न के रूप में। उसके बाद में करना क्या बेटा आपको, वो जनक श्रृंखला जो आती है हाइड्रोकार्बन की, उसको लिखा जाता है, और अंत में बेटा क्या लिखा जाता है, अनुलग्न लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर तो जनक श्रृंखला एल्केन की बनेगी, तो इसका मतलब एन आ जाएगा एल्केन श्रेणी के अंदर, और पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखा जाएगा बेटा, हैलोजन लिखा जाएगा। यदि हमारे पास में उस आरएक्स में हैलोजन की संख्या बेटा एक से अधिक आ जाए, कोई भी एल्किल हैलाइड की हम बात करें, जैसे डाई हैलाइड है, ट्राई हैलाइड है बेटा, हैलोजन की संख्या एक से क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए, और यदि हैलोजन क्या हो बेटा, समान हो, तो हमें क्या करना है, उनके पूर्व लगन से पहले आपको दो के लिए डाई लगाना है, तीन के लिए ट्राई लगाना है, चार के लिए टेट्रा लगाना है, ये लगाना है पूर्व लगन से पहले लगाना है बेटा। ये यदि जैसे हैलोजन, जैसे ये कंपाउंड अपने पास बेटा, ये आ गया, ये कंपाउंड हो गया बेटा, ध्यान देना एक बार इधर, यहां पर देखो हैलोजन कितने आ गए, ये दो हैलोजन आ गए, दो हैलोजन आ गए ना, तो दोनों हैलोजन क्या बेटा, अगर ये समान आ रहे हैं, जैसे ये सीएल आ गया, इधर भी क्या आ गया, सीएल आ गया, तो समान के लिए क्या लगाना, दो के लिए डाई, तीन आ रहे हैं तो बेटा क्या लगाएंगे, ट्राई लगा देंगे, चार आए तो बेटा टेट्रा लगा देंगे। और यदि बेटा हैलोजन क्या जाए, अलग अलग आ जाए, अगर मान लीजिए इसी कंपाउंड की मैं बात करूं बेटा, यहां सीएल आ जाए और यहां क्या जाए बेटा, ध्यान देना, बीआर आ जाता, मान लो यहां पर ये आ जाता, यहां सीएल आ जाता, इधर क्या आ जाता बेटा, बीआर आ जाता। अब मुझे ये बताओ, इधर बीआर आ रहा है, इधर सीएल आ रहा है, तो बेटा क्या करना है, अब ये समान हैलोजन नहीं है, तो अब इन हैलोजन को कैसे लिखा जाएगा बेटा, अब इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में। तो बीआर का बी पहले आता है बेटा, और क्लोरो का सी बाद में आता है, तो बीआर ब्रोमो को पहले लिखा जाएगा और क्लोरो को बाद में। लेकिन ऐसा हमें तभी करना है जब हैलोजन क्या हो बेटा, अलग अलग हो। तो ये कुछ पांच चार बिंदु मैंने आपको बताए, पहला बिंदु रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना एक बार, सबसे पहले में क्या करना है, हैलोजन युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। उसके बाद में क्या करना है बेटा, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक है ना, अर्थात द्विबंध की ओर से अंकन स्टार्ट करेंगे, जिधर से न्यूनतम अंक मिलेगा द्विबंध को। उसके बाद में यदि हैलोजन की संख्या बेटा, हैलोजन जो होता है उस हैलोजन की संख्या एक से अधिक आ जाए, तो समान के लिए डाई ट्राई टेट्रा लगा देंगे बेटा, और अलग अलग आए तो बेटा हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को काम में ले लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इन नोमेनक्लेचर के जो बिंदु है ना, इनके आधार पर हम क्या करेंगे, किसी यौगिक का नाम लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान देना, ये क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए, देखो ध्यान देना एक बार। देखो एक यौगिक दिया गया बेटा, कौन सा, एन प्रोपिल
नाम लिख रहा हूं बेटा, संरचना नहीं बना रहा, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। ये एन प्रोपिल ब्रोमाइड, तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड की मैं बात करूं तो इसका मैं आईपीसी नाम लिखना है बेटा। ये तो साधारण नाम है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या बना ले बेटा, संरचना बना ले। तो संरचना से फिर क्या लिखेंगे, उसका आईपीसी नाम लिखेंगे। अब देखो बेटा संरचना कैसे बनाएंगे, पहले ये नाम दिया गया, ये साधारण नाम है बेटा, क्योंकि साधारण नाम में बेटा इल लगाता है प्रोपिल और ब्रोमाइड भी यार। अब बताओ प्रोपिल का मतलब कितने कार्बन हो गए बेटा, आप ये बताओ मुझे, एक दो और तीन, तीन कार्बन हो गए ना, प्रोपिल का मतलब ये तो हुआ। अब उसके बाद देखो बी आर जुड़ रहा है, तो ये लो बी आर जोड़ दिया मैंने, ये बी आर ब्रोमाइड हो गया। अब संयोजकता पूरी किससे करते हैं बेटा, हाइड्रोजन से। बोलो यहां पर कितने बंद बना रहे कार्बन, एक, तो बोलो यहां पर मैं कितने एच जोड़ूंगा बेटा, तीन। यहां कितने जोड़ूंगा बेटा एच, दो। इधर कितने जोड़ेंगे बेटा, दो। ये हो गया हमारे पास में एन प्रोपिल ब्रोमाइड की संरचना। अब इसका आईपीसी नाम लिखना है आपको। आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड का आईपीसी नाम कैसे बोला जाता है, एल्किल हैलाइड को आईपीसी में बेटा हम हेलो एल्केन कहते हैं। तो इसका नाम हेलो को पहले लिखा जाएगा और एल्केन को बाद में। तो बोलो इसमें हेलो कौन है बेटा, बी आर है। अब बेटा इसमें अगर हम अंकन की भी बात करें ना बेटा, तो अंकन कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हेलोजन है। अब इस हेलोजन की ओर से अंकन करेंगे, क्योंकि इसमें हेलोजन ही प्रतिस्थापी है बेटा। तो एक दो तीन, तो न्यूनतम अंक इसको ही तो मिलेगा, एक इधर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक पर क्या जुड़ रहा है बी आर, तो बोलो क्या जोड़ देंगे बेटा, क्या लिख देंगे बेटा, वन ब्रोमो। उसके बाद देखिए बेटा ये कितने कार्बन की है, तीन कार्बन की, तो बोलो क्या लिख देंगे बेटा, बताना, प्रोपेन। ये लो ये नाम हो गया इसका। तो हमें करना क्या बेटा, पहले देखो ये जो सामान्य नाम है ना बेटा, इससे संरचना बनानी है उसकी। संरचना कैसे बनाएंगे, उसमें जो दे रखा है वो समूह बनाना है आपको। संयोजकता किससे पूरी करेंगे बेटा, ध्यान रखना हाइड्रोजन से पूरी करनी है, और हेलोजन आपको जोड़ना है, हेलोजन सीएल दे दे, बीआर दे दे, आई दे दे, एफ दे दे बेटा, ये चीजें होती है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बेटा क्या करना है, आपको आईपीसी नाम लिखना है। ऐसे बेटा क्या है, दो एग्जाम्पल और है, ठीक है ना, वो आप करके देखना एच डब्ल्यू के रूप में। और मैं आज इसकी भी एक पीडीएफ डाल दूंगा, इससे पहले की जो पीडीएफ है ना बेटा, वो हमने क्या कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल रखी है, ठीक है ना। उसमें बेटा एक पेज तो ऐसा है जिसके अंदर आपका अंक बाहर का डिविजन दिया गया है, किस तरह से क्या विभाजित किया गया है चैप्टर को, कितने अंक का कौन सा चैप्टर क्या है, ठीक है ना, सैद्धांतिक कितने का, प्रायोगिक कितने का, सत्रांक क्या जाता है बेटा, टोटल 100 नंबर का उसका पूरा अंक बाहर दिया गया है उसके अंदर। इसके बाद में मैंने बेटा दो या तीन पेज डाले हैं, ठीक है ना, वो बेसिक चैप्टर के थे, बिंदु नंबर तीन या चार तक कंप्लीट हो गए शायद, वहां पर डाल रखा है, उसको चेक कर लेना आप। आज मैंने बेटा जो कुछ एग्जाम्पल कराए वो ये नाम पद्धति पढ़ाई है बेटा, इसके जो भी है ना वो पीडीएफ है बेटा, दो तीन चार पेज की पीडीएफ है, ठीक है ना, वो आज हम और डाल देंगे। तो बेटा आपको है ना घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना बोर्ड के ऊपर जो कराया जाएगा ना बेटा वही मटेरियल आपको मिलेगा, और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिए जाएंगे साथ में। अब इसके दो क्वेश्चन है बेटा बी और सी वाले, ठीक है ना, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करके देखना। आप पहले उनकी संरचना बनाना, फिर उनके क्या लिखना, नाम लिखना, ठीक है। तो इसी के साथ में हम आप फिर से मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर बेटा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना, घर वालों का भी ध्यान रखिए, और पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, ठीक है ना। आपको किसी प्रकार से कोई मिसगाइड नहीं होना है बेटा। रही बात ये, हम फुल फ्लैश 100% आपके लिए तैयार है, ठीक है ना, चाहे मैं वो केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, चाहे वो फिजिक्स की बात करूं, चाहे मैथ की बात करूं। हो सके पॉसिबल ये है कि आज फिजिक्स के भी वीडियो लेक्चर है, नए वीडियो लेक्चर है, अपने सर है एक मोहन लाल जी सर है, उनके वीडियो लेक्चर भी आज से हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। मैथ की सर सुरेश जी सर क्लास ले रहे हैं, उनकी निरंतर क्लास जारी है, ठीक है ना, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, वही चीज पीडीएफ बनाकर हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जितना मैटर मिले बेटा आप तैयारी करते रहना, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम अगर डाउट आती है तो बेटा, ठीक है ना, या तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, मेरे नंबर होंगे, ठीक है ना, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। इसके अलावा अब आपको बेटा ध्यान क्या रखना है, जितना पढ़ाया जाए बेटा, ठीक है ना, उसको कंटिन्यूटी में क्या करना, याद करना है, ठीक है। ऐसे नहीं अपन कल के लिए छोड़ दें उस चीज को कि इसको हम बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, आपको निरंतर पढ़ना है, ठीक ना, कंटिन्यूटी में रहना है। कंटिन्यूटी अगर बेटा रहेगी ना आपके अंदर, तो बेटा है ना कुछ होगा। तो जैसे किसी ने कहा लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स टू बिग रिजल्ट, तो आप इन चीजों को ध्यान रखना है। एक छोटे छोटे अगर अपन प्रोग्रेस करना चाहें बेटा, छोटी छोटी प्रोग्रेस से ही अपन क्या कर सकते हैं, एक अच्छे परिणाम, एक बड़े परिणाम की ओर बढ़ सकते हैं। तो ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री लेक्चर में, फिर से आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, ओके, ध्यान रखना अपना।